लोकसभा चुनाव से 10 महीने पहले गहलोत बोले अभी रिटायरमेंट नहीं। संजू सैमसन टी20 सीरीज से बाहर, श्रीलंका से चौथी सीरीज जीतने आज उतरेगा भारत। अंजलि एक्सीडेंट केस के आरोपियों के घरों पर ताले, पड़ोसियों का दावा बीजेपी नेता मित्तल सट्टा खिलाता था बाकी चार सीधे साधे। साल भर में 24 रूसी हस्तियों की संदिग्ध मौत, 6 लोग इमारत से गिरे, 4 ने खुद को गोली मारी। एजेंट को कार ने टक्कर मारी, 500 मीटर घसीटा, मौत हो गई। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर रायबरेली से है जहां नववर्ष पर जगतपुर कस्बे में पूर्व प्रधान समेत कई लोगों ने डायरी, पेन, अंग वस्त्र देकर पत्रकारों का सम्मान किया। इस दौरान पूर्व प्रधान ने कहा कि पत्रकार हमेशा गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की बातों को उठाते हैं, इसलिए मैं पत्रकारों के कार्य की सराहना करता हूं। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है। वहीं खंड प्रेरक ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान जिले के पत्रकार कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। खबर बदायूं से है जहां स्टेट बैंक शाखा के कैशियर ग्राहकों से अभद्रता करते, इस बारे में जब ग्राहकों ने अमित कुमार की बात जिलाधिकारी से कराई तो जिलाधिकारी ने फटकार लगाई। वहीं जिलाधिकारी के फटकार के बाद कैशियर तथा मैनेजर ने बैंक में ताला डाल दिया, जिसके बाद ग्राहक बहुत देर तक हंगामा काटते रहे, लेकिन बैंक नहीं खोला गया, जिसके बाद ग्राहकों ने तंग आकर जिलाधिकारी और ADG जोन बरेली से लिखित शिकायत दर्ज की है। अब देखते हैं प्रशासन ऐसे दबंग कैशियर पर क्या कार्यवाही करता है। खबर फतेहपुर से है जहां टिकर गांव की रहने वाली एक महिला की दबंगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। वहीं पिटाई के दौरान महिला का गर्भपात हो गया, जिसके बाद पीड़िता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, जहां रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पीड़िता ने थाना अध्यक्ष पर रिपोर्ट दर्ज न कराने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक से मिल इंसाफ की गुहार लगाई है। हम आदमी खाना खा के नहीं करें, जब खिता होता कोई में लड़ाई भी रही तो हम कहा जा निका एक मारे आई, तो हम कहीं खाना खाते तो ये निकल पड़े तो इतने में इनको मारे लग, तो हम बीच बराव करे लग, हम का ढकेल देने और ननका लात मारते हैं, इतने में हम बेहोश हो गए, इतने में हमारे पानी चले लागे, अब पेट खराब हो गया। क्या बताया डॉक्टर ने? क्यों कहते हैं सफाई करना पड़ेगा। यह है कि हम अपने अपना आलू खोदे थे तो एक चकड़ोर में गड्ढा खोदे थे, तो हम उनको पूर दिए थे, तो पूर करके अपना आलू निकाल लाए पिकअप से, तो वो हमारे घर आए लाठी डंडा लेके हमें पीटने लगे। तभी हमारी बीबी बीज बराव करने आई तो इसको इन्होंने मार दिए और पेट में लात मार दिए, तो ये गिर गई, बेहोश हो गई, ब्लीडिंग चालू हो गई। फिर क्या हुआ जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में जांच करवाई तो बच्चा खराब हो गया। क्या गर्भवती थी? क्या जी? गर्भवती थी। कौन लोग थे? कितने मंथ की प्रेगनेंसी है? 4 माह की। कौन लोग थे जो हमारा भी? खबर रायबरेली से जहां डलमो कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बुराई बाग रेलवे क्रॉसिंग के पास एक छात्र नाश्ता करने लगी, जहां बेखौफ चोरों ने छात्रा की साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी करते हुए चोरों का वीडियो CCTV फुटेज में कैद हो गया, जिसकी सूचना छात्रा ने चौकी इंचार्ज को दी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करने में जुट गए हैं।
खबर रायबरेली से है, जहां घरेलू विवाद से नाराज एक महिला ने अपने दो बच्चों संग पानी से उफानती नहर में छलांग लगा दी, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने महिला का शव बरामद कर लिया है। वहीं दो मासूमों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि महिला की अपनी जेठानी के साथ लड़ाई हुई थी, जहाँ विवाद से क्षुब्ध होकर महिला अपनी बच्ची के साथ नहर में कूद गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील है। कहाँ के रहने वाले हैं? अली ग्राम से रहने वाले हैं। पिताजी का नाम है अब्दुल मजीद। क्या मामला है, क्या घटना घटी है? मामला ये है कि 2018 में बहन की शादी किए थे हम। कहाँ से किए थे? ये चंदापुरी हमारी बुआ है, बुआ के लड़के के साथ हम किए थे जी। और एक डेढ़ साल तो रिश्ता सही चला, उसके बाद जो धीरे 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 अनमन होने लगा। कभी तंग किया गया, तुम क्या कुछ दिए नहीं, माँ बाप ये वो फलाना धमाका, बहुत सारा कुछ, मतलब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव उसको दिया जाता था हमेशा। कई बार समझौते हुए कि चलो ठीक है जो भी है, हम अपनी बहन को हमेशा समझाते रहे कि चलो ठीक है ससुराल ससुराली होता। सर एक मामला निकल के आया महाराजगंज का, जिसपे जो है एक महिला अपने बच्चों के समेत जो है नहर में कूद गई, क्या पूरा मामला, क्या कार्रवाई हो रही है? ये जानकारी में आया है कि एक महिला ने घरेलू विवाद कर उसका अपनी जिठानी से कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर के नाराज होकर के वो कल अपने दो बच्चों के साथ नहर में कूद गई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने पहुंच करके वहां पे तलाशी शुरू की। तलाशी के पश्चात महिला का शव तो मिल गया है, बच्चों के शव अभी नहीं मिले हैं, जिसके लिए अभी मेरे द्वारा जो एसडीआरएफ की टीम को इत्तला की गई है, और वहां से वो टीम तुरंत पहुंच करके बाकी जांच पड़ताल करके आगे की कार्रवाई करेगी। खबर रायबरेली से है, जहां दीनगंज में छोटी नहर के पास लोगों को एक विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर निकलने से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस टीम ने अजगर को पकड़कर बस्ती से दूर जंगल में छोड़ा। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबर भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।